हाल है भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग आए हैं एक मोस्ट वॉन्टेड प्लेस पर। पहले ये एक महल हुआ करता था, यहाँ पर राजाओं का वास होता था, पर फिलहाल ये खंडहर में बदल चुका है क्योंकि अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है। जो राजा के बाल बच्चे हैं, जो उनके नाती पोते हैं, वो फिलहाल फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। वो लोग इसकी देखभाल करने के लिए नहीं आते हैं, उन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, इसकी देखभाल करना चाहिए। तो आइए चलते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आने की सोच रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई टिकट या कोई चार्ज नहीं लगता। तो आइए अंदर चलते हैं। और अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप लोग मेरे पीछे ये किला देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, कितना बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जो आज के इंजीनियर हैं वो लोग इस तरीके के वर्क नहीं कर पाएंगे। आप लोग बैक कैमरे से देख सकते हैं ये किला कैसा है। आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे कि ये किला किसी भूतिया किले से कम नहीं है। अभी हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं और अभी हम तहखाने में जा रहे हैं। अरे यार, आराम से बच गया, नहीं तो मैं स्लिप हो जाता। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर, एकदम खंडहर है ये। यहाँ पर कुछ रास्ते, कुछ गलियाँ बनी हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सैनिकों को बाहर या अंदर आने के लिए बनाया जाता था गुप्त तरीके से। हम लोग और अंदर चलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों एक बात तो है, भूत अगर यहाँ पर रहते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी जगह है उन लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग अभी ये गुफा में आए हुए हैं, नीचे है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मतलब आप लोग कह सकते हैं अभी फ़िलहाल सुकून मिल रहा है, दिन है और रात के टाइम यही सुकून डर में बदल जाता है, क्योंकि रात में जब आप भूत आप लोग देखेंगे तो हर किसी को डर लगता है भूत से। हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर से आपको इस किले का सारा नज़ारा दिखाएंगे और आसपास का एरिया दिखाएंगे, ये किला कितना बड़ा है। और अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, इसके ऊपर बस छत है, वहाँ भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर जंगल है, कोई भी रिहायशी इलाका नहीं यहाँ पर, कोई भी घर वर। और अभी एक गैलरी है, यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं। ओह ये देखिए, मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा यहाँ से। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग ऊपर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं क्या क्या दिखता है। मैं अभी सबसे ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से आप लोग मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं किले के ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है। बारिश भी आ गई है, आप लोग देख सकते हैं बारिश की बूंदें ये पड़ रही हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, किले के अंदर थोड़ा सा वेट करेंगे और जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद फिर शूट करेंगे आगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो दोस्तों थोड़ी देर बाद बारिश हल्की होगी मगर अभी भी बारिश हो रही है। और अभी मेरे कुछ भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं यहाँ पर इन लोगों को कैसा लग रहा है। तो भाई बताइएगा आप लोग, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम है। शिवम, आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ कादीपुर से। कादीपुर से, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर घूमकर? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी ये मेरा भाई है जो कि मेरे साथ आया हुआ है, तो मैं इससे कैसा लग रहा है? नंबर एक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हम दिल्ली घूमे, आगरा घूमे, ताजमहल, लाल किला देखे, लेकिन तीरक महल पहली बार देखे। अच्छा ये बताओ, अगर हम तुमको यहाँ से फेंक दे तो भुताओगे तो नहीं? अरे यार ऐसा मत करो यार भैया, छोड़ दो, कहाँ है परेशान। भाग गया। तो भाई लोग, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे सिनेमेटिक वीडियोस भी हमने लिए हैं, उसको आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी जाइए फटाक से फॉलो कर लीजिए और सिनेमेटिक वीडियोस देखते रहिए। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।